ये देख सकते हैं आप लोग, ये पेवर ब्लॉक मशीन है जेनिट 600 का, अपोलो का है। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक टैंक है और ये मोटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना एचपी का है। ये मोटर आपका 108 वाट का है और एचपी है आपको 15 एचपी का है। आरपीएम इसमें देख रहे हैं आप, इसमें आरपीएम भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 15 एचपी का और आरपीएम 1460 है, देख सकते हैं। ये फीडर है, ये फीडर ले जाके आगे पर फीडिंग करता है। और ये जो है प्रेसेड है, ये जो है प्रेसेड है, आपको प्रेस करता है उसके बाद प्लग निकलने स्टार्ट हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बैचिंग प्लांट है, बैचिंग प्लांट का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। बैचिंग प्लांट से मटेरियल आपको आके यहाँ गिरता है, ठीक है। ये पूरा ये पेपर ब्लॉक देख सकते हैं, पूरा मशीन है। पूरा एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये प्लेट फीडर है, यहाँ प्लेट फीडिंग होता है। उसके बाद आप ये मटेरियल फीडर है, मटेरियल फीडिंग करता है। और ये नीचे जो मोल्ड है और ये ऊपर वाला प्रेस हेड है। और ये स्ट्रक्चर है, आपको प्लेट ले जाकर यहाँ रखेगा, यहाँ पर रखेगा। और यहाँ से क्या है, आपको फोर्कलिफ्ट उठा लेके जाएगा, देख सकते हैं। मोल्ड का आपको दो सिलेंडर होता है और प्रेस हेड का एक। ये कलर, इसमें कलर बनता है, इस बेल्ट से कलर जाएगा और उस, और इसमें जो है ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपको कलर फीडिंग हॉपर है। पैनल भी ऑन करके दिखा देता हूँ, वोल्टेज आप देख रहे हैं। ऑयल पंप अभी करंट अभी नहीं दिखाएगा और वाइब्रेशन जो करंट लगता है वो अप डाउन होता रहता है जब वाइब्रेशन चलता है उस टाइम में। और ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑपरेशन में हम देख लेते हैं, ये पॉइंट ऑपरेशन हो गया। आपको पिलर का सेटिंग है, ये जो पिलर का जो प्लेट ब्लॉक बनने के बाद और जब निकलता है और फीडर पिलर उठाकर रखता है उसके बाद फोर किलो मिल जाता है, तो पिलर का सेटिंग है, ठीक है। आपको टोटल प्लेट जो आता है वहाँ जीरो करने के लिए ये रखा हुआ है।
सेटिंग कर सकते हैं। बेसिक गेट ओपन है, आप देख सकते हैं 0.75 सेकंड लिखा हुआ है। बेसिक फीडर फॉरवर्ड है 0.1 सेकंड, देन क्लोज गेट। बेसिक फीडर बैकवर्ड 0.4 सेकंड, देन फॉरवर्ड। बेसिक फीडर बैकवर्ड 0.7 सेकंड बिफोर फीडिंग वाइब्रेशन। मिक्सिंग आप देख रहे हैं 1.2 सेकंड आफ्टर वाइब्रेशन, देन फीडर बैकवर्ड। फीडिंग वाइब्रेशन 0.65 सेकंड, देन स्टॉप। जब आपको फीडिंग करता है जो वाइब्रेशन होता है उसका है। अब बेसिक फीडर फॉरवर्ड 2.2 सेकंड स्टार्ट मिक्सिंग। फॉरवर्ड होने में 2.2 सेकंड लगता है, उसके बाद मिक्सिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मिक्सिंग टाइम 2.0 सेकंड। प्रेसिंग वाइब्रेशन जो प्रेस होता है 8.0 सेकंड। स्टॉप वाइब्रेशन आफ्टर 0.3 सेकंड, देन प्रेस ओवर। प्रेस हेड डाउन 0.9 सेकंड, देन स्टार्ट वाइब्रेशन। प्रेस हेड डाउनवर्ड 0.7 सेकंड, बिगिन टू स्टार्ट। कीप 1.2 सेकंड आफ्टर वाइब्रेशन द रिमोट। प्रेस हेड टेनी राइसिंग टाइम नहीं दिया हुआ है, जरूरत नहीं है। कंप्लीट मोल्डिंग टाइम 14 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं प्लेट विथ ब्लॉक लीव 4.8 सेकंड, देन मोल्ड फ्रेम डाउन। प्रेशर हेड अप 0.3 सेकंड स्टॉप। सेकेंड टाइम डिस्चार्ज गेट ओपन 0 है। एडिंग फीड ओपन, फीडिंग फीडर फॉरवर्ड जरूरत नहीं है। एडिंग फीड ओपन, फीडिंग मिक्सिंग टाइम 1.3 सेकंड। फॉर प्रेस 1.8 सेकंड। ब्लॉक रिसीवर लास्टिंग टाइम 18 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है आफ्टर ब्लॉक रिसीवर रन 8.0 सेकंड। एज फेस फ्रेम डाउन, फेस गेट ओपन रेंज, ये सारा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये एडजस्टिंग फिटिंग वाइब्रेशन ऑटो एडजस्ट ओपन है, देख सकते हैं। मेन मॉनिटर जो है आप देख सकते हैं। बेसिक गेट क्लोज, ये सब सिंबल होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। ये सब सिंपल नहीं होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, देख सकते हैं, देख सकते हैं। मेन मेनू में जाते हैं, कंट्रोल मोड में जाते हैं, देख सकते हैं आप। ये रन मोड में है, ये फॉर ब्लॉक प्रोडक्शन और फॉर पेपर प्रोडक्शन, फॉर कलर पेपर प्रोडक्शन। इसमें आप देख सकते हैं, अगर चालू करना है तो इसको टच करना पड़ेगा कलर के लिए। ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। बेसिक गेट ओपन का, बेसिक गेट क्लोज का, बेसिक फीडर बैकवर्ड का, ये सब सेटिंग है, देख सकते हैं, कर सकते हैं आप। देख सकते हैं
इमरजेंसी है और ये चाबी है उसका ऑन है अभी। ये बेसिंग मटेरियल का है, ये जो पार्ट है बेसिंग मटेरियल का है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नो अलार्म प्लेट, प्लेट फीडर, ठीक है। देखिए ये सब प्रेस प्रेस सेट डाउन अप, मोल्ड डाउन मोल्ड अप, ये बेसिक मटेरियल का जो कलर का यूज़ होता है उसका है। इसको अभी हम लोग चालू नहीं किया है। ये प्लेट फीडर और ये प्लेट रिसीवर, इसमें देख सकते हैं प्रेस रीसेट, प्रेस है रीसेट है, ये देख सकते हैं। ये मेन मेनू पुश है, जब भी आप ऑटो में चल रहा है इसको रोक सकते हैं इससे। ये आपको प्लेट सुपर सुपर इम्पोजर है जो आपको पिलर बता रहे थे, ये उसका है। और इसका देखिए बेसिक कन्वेयर बेल्ट का ये जो कलर का यूज़ होता है, ये बेसिक के कन्वेयर बेल्ट ये भी कलर का यूज़ होता है, ठीक है। अभी ऑफ है, ये वर्किंग मोड है, ये मैनुअल में है, ये देने से ऑटो हो जाएगा। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑयल पम्प ऑन करना है। ऑयल पम्प ऑन करने के बाद आप उसके बाद प्रेस सेट ऑफ करके मोल्ड डाउन करके और गेट ओपन करके एक बार माल गिरा लेना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये वर्किंग मोड में जाना है ऑटो में डाल के। उसके बाद आप रीसेट दबाइएगा, रीसेट दबाव के बाद ऑटो दबा दीजिएगा, ऑटो चालू हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास पहुँच जाए। जो ऑपरेटर है ब्लॉक मशीन पेवर मशीन का, एपोलो का है, देखिए लिखा हुआ है एपोलो जेनिट 600 का है मॉडल नंबर, ठीक है। जय हिंद।